तो बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे फोन में तो ब्लॉग बनता है। और अपने दुकान बाबू है, पेंट करवा लिया इन्होंने, कह के गए थे कि लाइट जैसे अंदर हो रखा वैसे। हाँ, हमने पर्दे वाली बुलाई थी, पर्दे वाली बुलाई थी हमने, पर्दे लगाने। तो दोस्तों सामान हमने ले लिया था लेकिन ब्लॉग नहीं होना पाया। चेंज दिखेगा, चेंज पता ही होने वाली थी उस टाइम पर, मतलब स्टार्ट नहीं हुई थी, रात होने वाली थी स्टार्ट, बट अब कंप्लीट हो चुकी है तो वो भी दिखाएंगे कि वो कैसा लगने लगा है अब। और फिलहाल चलते हैं, मार्केट भी जाएंगे और थोड़ा भी, तो जल्दी चलते हैं। इसकी शर्ट भी बनाना से ऊपर से अभी बना दो, तो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपको। और ये वाले सारे पर्दे ना कल टंग जाएंगे, फिर आपको फुल लुक कल सब पे टंग जाएंगे, सब दरवाजों पे पर्दे टंग जाएंगे, सबके कर्टन्स आ चुके हैं, कुछ रह गए हैं वो अभी लेकर आएंगे। हाँ, सब लोगों के साथ जल्दी पहने चलो। गाइस आज ना मेरी जो ड्रेसिंग मैंने आज नहीं करवाई थी क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि सूखने लगे हैं, तो ये लगी थी मेरे छोटी यहाँ पर, ये तो ये टांके आए हैं गाइस, और खा नहीं पा रहा हूँ यार। सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है, सब लोग दिवाली पे खाएंगे पूड़ी कचौड़ी, हम खाएंगे दलिया, मुँह चलाने में दिक्कत हो रही है, फेस्टिवल की ना पूरी रेड़ पिट गई भाई, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है और हो ही जाएगा जल्दी से जल्दी ठीक, क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं जल्दी से दिवाली शॉपिंग के लिए, सब कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में आप लोग। खैर थोड़ा चेंज हो गया है, पेंट हो चुका है पूरे घर पे, ऊपर का दिखाते हैं, ऊपर के कमरे का नक्शा, बाहर का अब रोशनी लग रही है। हाँ नक्शा चेंज हो चुका है, पापा को नहीं ले रहा अब, बड़ा लग रहा है, बड़ा है ना, लाइट कितनी ज्यादा रोशनी हो रही है कमरे में, बड़ा सही हो गया। क्या हाँ 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 अभी कहाँ रह गया तो थका रहा है तू, शर्ट उठा देख बाबू, बाबू ये घर कैसा हो गया हमारा, ये किसका रूम है, अभी किसका रूम है, कैसा हो गया, हाँ चिड़चिड़ा रहा था, नमक नहीं डाला है मैंने, इतना हथेरा है आटा, तू देख भैया अभी छाने वो लौटना आया था, तो पूरे पैसे नहीं दिए क्या, अभी खाली रखियो, दो मिनट में दो हफ्ते के बस, कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, पर्दे डालती हूँ अभी। तो गाइस यहाँ पर ये पर्दे भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, पर्दे लगाने के लिए हमने पर्दे वाली बुलाई थी, पर्दे वाली बुलाई थी हमने पर्दे लगाने के लिए अपने घर पे, अरे ये ना गाइस वहाँ पे ना उस वाले घर पे ना ये छोटे आते हैं, मतलब वहाँ की दीवारें हैं बड़ी, वहाँ के लिए तो कर्टन्स ले लिए हैं बड़े वाले, वहाँ के लिए बड़े लिए थे, तो हमने सोचा जब ये नए हैं तो हम ये छोटे वाले यहाँ लगा देते हैं क्योंकि ये इस रूम से मैच कर रहे हैं, वरना बेकार ही जाते हैं, और नए पर्दे हैं बिल्कुल खराबी का हुआ है, कमरे में लाइट बहुत हो गई यार है ना, लेकिन सीलन सामने अभी भी सीलन है, अभी भी वो तो यहाँ पे दोबारा वहाँ पे लगवाया था, अच्छा फूल गया था ना, अच्छा अच्छा दोबारा सील के, ये मिठाई का डिब्बा रख दो, कितने लग रहे हैं ना, बड़े बहुत हैं मम्मी, ये ऐसे अच्छे लगते हैं, देखो कितने लंबे हैं, ये ऐसे अच्छे लगते हैं, ये निकल के ऊपर तो ऐसे टंगे हुए थे ऊपर वाले कमरे में, याद नहीं है नीचे को निकले हुए टंगे हुए थे ना, चूहे भी नहीं चढ़ेगी नीचे, इतने भी नहीं गांव में, क्योंकि हमें पता था हम आ रहे हैं ब्लॉगर्स, तो फिर उसमें रहना चाहिए,
टेंशन में। लो ही ना ये रख दो यार मिठाई, ये बड़ा है यार बहुत, कटेगा ये, हटेगा और ये कटेगा, कटेगा भी ये पागल। ये वाला तो कटने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे चला गया ना ये तो, अलवारी के ऊपर आ गया ना। अच्छा, हाँ, ना सही है। गिरा मत देना, तो टूट जाएंगे तो क्या हुआ, इतने सारे पुराने हो गए हैं। मम्मी की एक आदत, मम्मी की पुरानी चीजें सारी फूल थे वो, मम्मी की एक पुरानी आदत है सारे सारे सामान जो है सेहत के रखने की, इतनी पुरानी पुरानी चीजें अभी तक दिख रही है। देखो मम्मी उनको भी ना दो धो के रख देती है, और जो स्विगी और जोमेटो का जो बॉक्स आता है वो भी खाने के लिए, वो तो हर माँ की आदत होती है, अब मेरी भी हो गई है। और वो तो सभी लोग रखते होंगे शायद, कौन कौन रखता है बताओ कमेंट्स में। वो तो मेरी भी हो गई है मम्मी वहाँ जाके, अब आदत डली गई है। सही रहता है, पड़ जाती है ना, मेरे फोन में तो ब्लॉग बनता है। सौरभ तेरा कहाँ है बाबू? तो सबसे पहले ये है जो किचन के हमारे हालात हो रखी है, बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, ये वॉल पेपर्स लगाए थे हमने, यही सुधार के लिए आए हैं। बाहर ऐसा है बिफोर, थोड़ी देर में दिखाते हैं ये किचन कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं उसके बाद। तो मैं बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा मेरे साथ जा रहे हैं, पापा और मम्मा के साथ। तो ठीक है, बाबा हमारे साथ जा रहे हैं। ये भी आ गए, इन्हें अपनी दिवाली की शॉपिंग करनी है। मम्मी के पीछे का बैकग्राउंड बढ़िया आ रहा है। अब तो मम्मी चमक मार रही है, चमक दे ना, बस अंधेरा अंधेरा है ना, अंधेरा अंधेरा। मम्मी देखो कितनी बढ़िया लग रही है वीडियो में। अभी चाचा आओ, अभी चाचा, अभी चलो, अभी चलो, अभी दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट में। अभी अभी तो भाई घुस चुके हैं, गाड़ी हमने लगा दी है सब लोगों ने अपनी एक जगह पे, और घुस चुके हैं मार्केट के अंदर। मार्केट में घुसते ही महक और लल्ली तो बिल्कुल तितर बितर हो गई, नहीं आ गए हैं कि आ गए। अरे हेलो करो डोरेमोन, अभी डर लग रहा है डर इसको, आज नहीं है। और शादी में छोड़ नहीं रहा था डोरेमोन को, चलती रहोगे कुछ लोगे भी नहीं। अरे नेंगे फ्लावर पॉट की वो शॉप है, वहां से फ्लावर लेंगे। कहां पर है आगे? ये बस घूमने का काम कर रही है पूरी मार्केट में, बस देख रही है इधर उधर से, लेना लाना कुछ है नहीं। हम ऐसे नहीं है। हाँ, चलो कुछ पसंद आया नहीं आया अभी? क्या पापा और पीयूष तो बहुत आगे चलेगा, आगे बढ़े जा रहे हैं वो तो, रोहित भैया भी संग में ही उनके। मार्केट में गाइस बहुत ज़्यादा रश है अभी, और आगे बढ़ना हमें टाउन हॉल की तरफ, बहुत रश है अभी। तो दोस्तों सामान हमने ले लिया था लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि जल्दी जल्दी में, तो ये सामान ले लिया है, फ्लावर ले लिए हैं, पीयूष ने भी ले लिया है, और अब खाने वाले हैं अंकल के हम चुरमुरे, बढ़िया वाले। कौन कौन खाते हैं अंकल के चुरमुरे जो लगाते हैं आपकी चूड़ी वाली गली के बाहर? ये बताना फिर। ये 550 जी, चांदी भी महंगी हो गई है, चांदी 1 लाख पार पहुंच गई है ना। सही है भैया, तेरे इतना बड़ा हाथ है चांदी। हाँ भाई, तो कह रहा हूँ पापा ने लिया था। और क्या क्या भैया चांदी में? कौन कौन से कॉइन है? नहीं लक्ष्मी गणेश को, लास्ट लास्ट दिखाना बर्तन। ये कितने इसका सेट नहीं है, ये भगवान के बर्तन का सेट होता है। वैसे सारी शॉपिंग हो गई थी, उसके बाद अब चांदी का कुछ लेना शुभ होता है धनतेरस पे, तो हम वो लेने आए थे। नमस्ते आंटी, ये कान्हा जी के आए हैं ना, ये कान्हा जी के भगवान। हाँ हाँ, ये कान्हा जी का है ना, ये तो सब कुछ अवेलेबल है, चांदी के ग्लास, कटोरी एंड ऑल सब कुछ।
तो जिसको भी लेना है तो आ जाओ भाई पवन ज्वेलर्स। चांदी के मुकुट कान्हा जी के ना, काफी बड़े बड़े, हमारे तो छोटे से हैं कान्हा जी भी, उनके लिए तो वैसा साइट सही रहेगा है ना इस टाइप का। सिंहासन भी है चांदी का, कान्हा जी का सब कुछ है। गाइस ये देख सकते हो चांदी के पूरे खाने के बर्तन है, सब कुछ, मतलब ग्लास भी है, कटोरी भी है, चम्मच भी है, प्लेट भी है। तो किसी को भी अगर अपने कान्हा जी के लिए पूरा ये सेट चाहिए ना भोजन के लिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस बताओ, एड्रेस शॉप का। एड्रेस तो हमेशा की तरह वही पवन ज्वेलर्स। जाओ पापा को हक कर जाओ फिर चलेंगे, पहले पापा को हक कर के आ जाओ। एक बार चल दादी को कर लो, दादी को, बाबा को कर लो। बाबा को ये अरे वाह, यू चाचा को कौन करेगा? अबे देखिए वीडियो की हक करवाओगे बस तुम। ये फूला पड़ गया। अरे सबके पैर छुओ पहले, सबके पैर। अरे बस बस, हां सबके पैर छुओ, बाबा के पैर छुओ पहले। यूं जाके कैसे छूट गया बाबा के? हां तो बेचारे के इसके बड़े हैं जीवुआ के, बाबा के सर पे लगाता वगैरह, बाबा के पैर ना दिख रहे बाबा के धड़े अंदर। ये इनके दादी बोल, दादी 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 अभी दादी दादी ओ अभी दादी दादी मेरी जान। क्या कैसे कहते हैं दादी दा? क्या कैसे कैसे कहते हैं पू? नहीं दादी दादी कैसे? दादी दादी पू। तो गाइस आ गए हम लोग घर, और फिलहाल अभी मेरे सुबह के बर्तन नहीं मजे थे, मैं वही आके मार रही थी फोन पे, था खाना खाने का, पहले सो गए थे एंड उसके बाद लोग थे तो घर चले गए, मार्केट चले गए, और अब मैं आई हूँ तो किचन में अपने काम पर। और वहाँ घर की भी किचन पर बोल रहे थे ना कि चेंज हो जाएगी, बट नहीं, जो क्वालिटी का मंगाया था ना मैंने बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी के थे वो। हाँ, अब मैं मंगाऊंगी, कुछ टाइम ही बिल्कुल बेकार हो जाते वो। हाँ तो अब मैं ऑर्डर करूँगी, क्या उसके बाद में वहाँ की किचन का आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, अभी नहीं रेनोवेट करेंगे किचन वहाँ की। हाँ अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जो किचन हमने पहले करी थी ना वो मैंने 4 साल पहले करी हुई है, मतलब मेरी शादी हुई थी तब वो अभी होने वाला था, तब मैंने वो किचन पूरी अच्छे से करी थी, बट आप कैसे करेंगे? आज मैं सीधे गई थी वो किचन करने के लिए, लेकिन देखा तो क्वालिटी बहुत ख़राब थी उनके पास की, तो मैं रात में लेट के देखूँगी अच्छे अच्छे जो भी, मतलब कॉल कॉल करते हैं किचन पेपर जो भी होते हैं वो, मतलब स्टीक वाले, तो फिर उसका बनाएंगे और उसके बाद वहाँ की किचन अच्छी करेंगे, अच्छे से डेकोरेट करेंगे। बट फिलहाल अभी तो मैं ये बर्तन धो रही हूँ, और उसके बाद में फिर तो बहुत रहा है, बस थोड़े से यही है, थोड़े से ही है, धोने में टाइम नहीं लगता, बस ये मांजने में मेरे सबसे बहुत काम लगता है, बर्तन धोना और कपड़े उतार के तय बनाना, बाकी मुझसे कुछ भी करवा दो तो, कुछ भी। हाँ बाकी फिर अभी तो बहुत थक रहे हैं, अभी हम लोग ना साल में सिर्फ एक बार इतना पैदल चलते हैं, आज तो सबसे बहुत पैदल चलते हैं। हाँ इस टाइम ही पैदल चलते हैं धनतेरस के दिन, क्योंकि मुरारी चाट पे गाड़ी खड़ी करने के बाद सीधे अमरोहा गेट मंडी चौक, तो पूरा कटरे वटरे सब जगह, मन तो गाड़ी पे चले जाते हैं हर टाइम, जरा सी दूर जाना गाड़ी पे चलना है, हमें तो आदत है, हमारे नहीं हुआ बिल्कुल भी, मुझे पहले तो बोला कि मैं लेट होंगी ना, मुझे कमी आ जाएगी, बस कॉफी बनानी है बस इसके बाद। इन्हें ना मैंने कोल्ड कॉफी क्या पिला दिया, तो मेरे हाथ की कोल्ड कॉफी तेज ही लगती है ना, कि ये मेरे कोल्ड कॉफी लो, बस कोल्ड कॉफी। इस चक्कर में हम पहले तो हम कॉफी के शेशे लाते थे एक एक रुपए वाले, लेकिन इस चक्कर में हम कॉफी का बड़ा वाला पैकेट भी ये लिया है ब्रू का। साढ़े बारह बजे ना, तो एक बजने वाला होगा अभी हम, और सोते सोते कम से कम अभी 2 बज जाएंगे, रोज का ही टाइमिंग है, रोज का ही अब तो टाइमिंग, और लेकिन सुबह को टाइम से अपनी आँख भी खुल जाती है, चाहे कितने बजे भी सो रात में, लेकिन सुबह को अपने टाइम से आँख खुल जाती है। हाँ तो लेकिन जो भी है तुम्हारी तुम्हारे टाइम पे खुल जाती है, मेरी मेरे टाइम पे खुल जाती है, मेरा रोज का गाइस फिक्स
लास्ट ईयर लास्ट 6 प्लस कॉलेज का, इससे ऊपर मैं टाइम नहीं करती। मैं उससे ऊपर टाइम जल्दी कर देती हूँ ना, उससे मुझे जो दिक्कत हो जाती है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो फिलहाल अभी इस सारे ब्लॉग को मैं हम लोग एड करते हैं, बहुत थक गए हैं, लेटेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कोल्ड कॉफ़ी खाएंगे एंड उसके बाद में लेटेंगे और फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। दिवाली वाले ब्लॉग जो आएंगे आप कल का डेकोरेट करेंगे कल करेंगे आप, तो कल वाले ब्लॉग में आपसे हम मिलेंगे। बट फिलहाल अभी हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और सभी को अगेन हैप्पी धनतेरस, मिलते हैं इस ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।